अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. दिस वीडियो मेनली कवर्स द वायल एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग कॉटलिन. कॉटलिन लैंग्वेज का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है और क्या वाकई इसने जावा को अब जावा यूज नहीं करते, ठीक है. और फिर उसके बाद हम एंड्रॉइड ट्यूटोरियल देखेंगे कॉटलिन को यूज करते हुए, बट उससे पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन भी देखेंगे. तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. तो यहाँ हम कॉटलिन की रीज़न देखेंगे, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो हमें अपनी ऐप को रन करने के लिए चाहिए. हम फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप अपनी क्रिएट करेंगे, देन हम उसको रन करना सीखेंगे, कैसे लर्न उसको रन करते हैं, देन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कि प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट. ओके, आफ्टर दिस दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट कॉटलिन. कॉटलिन इज अ स्टैटिक टाइप लैंग्वेज. आपको इसको रन करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन की ज़रूरत होती है, ठीक है. कॉटलिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो इट्स सपोर्ट टू अवॉइड नल पॉइंटर एक्सेप्शन. नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक ऐसी एक्सपेंशन होती है विच इज ऑब्वियसली अ बिग हैड एक फॉर डेवलपर्स ना, इफ दे हैव दिस एक्सेप्शन. तो इसकी इसमें सपोर्ट प्रेजेंट है. इम्यूटेबिलिटी सपोर्ट्स करती है, मीन्स यू कैन डिक्लेयर वैल्यूज इन साइड कॉटलिन एज आइदर वैल्यूज और वेरिएबल्स. मतलब आपको जब आप डिक्लेरेशन करेंगे तभी आप बता देंगे कि ये फिक्स कॉन्स्टेंट है या वैल्यू ये या ये वैल्यू वेरी करेगी, सही है. अगर वेरिएबल्स होंगे तो मतलब वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर वैल्यूज आप डिक्लेयर करेंगे मगर फिर वो फिक्स रहेगी. एक दफ़ा जब आपने इनिशलाइज करती हैं तो वो कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते फिर, ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भी है इसका, इसमें सब जैसे आपने से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, C++ है, जैवा है, तो बिल्कुल उसी तरह इसके भी कॉन्सेप्ट्स हैं. और एक और मेन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ये फंक्शनल है, मीन्स यू कैन पास अ फंक्शन एज पैरामीटर टू अनदर फंक्शन और अ फंक्शन कैन रिटर्न अनदर फंक्शन, ठीक है. सो हाउ इट इज डिफरेंट एज इट इज सेड एंड प्रोमोटेड बाय गूगल दैट कॉटलिन हैज मेनी फीचर्स दैट आर एक्चुअल नीड ऑफ अ डेवलपर बाय क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन. सो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो लैमडास को भी सपोर्ट करती है और इट इट सपोर्ट्स लेस सेरेमनी. लेस सेरेमनी यहाँ क्यों कह रहे हैं, लेट मी क्लियर द एनोटेशन फर्स्ट. तो ये काफ़ी एक्साइटिंग फीचर्स हैं इसके कि हमारे पास कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं और कोड आपको क्लीन लगता है. मीन्स जो काम 10 लाइन्स ऑफ कोड में आप दूसरी लैंग्वेजेस के साथ करते हैं, जावा से करते हैं, वही काम 2 लाइन्स ऑफ कोड में ये कर देती है, ठीक है. और जैसे आप वेरिएबल्स को, आप इससे पहले आपने देखा होगा कि आप एज अ पैरामीटर पास करते हैं वेरिएबल्स को और वेरिएबल ही एज अ पैरामीटर रिटर्न हो रहा होता है, बट यहाँ पूरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास हो सकता है और पूरा फंक्शन ही एज अ पैरामीटर रिटर्न हो सकता है. मतलब जब ये एक ऐसी लैंग्वेज है कि जब डेवलपर्स को ऐसा लगा कि भाई नहीं, हमें ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होनी चाहिए, तो उन्होंने दे कम अप विद अ लैंग्वेज विच इज़ नोन एज कॉटलिन. एंड कॉटलिन का जो नेम है वो बेसिकली एक आइलैंड पे रखा गया है जो कि एक रशियन आइलैंड है, लोकेटेड नियर द गल्फ ऑफ आई गेस फिनलैंड, यस. तो ये टाइमलाइन है कॉटलिन की एवोल्यूशन की. 2011 में कॉटलिन अनवील्ड हुई थी बाय जेटविंस. उसके बाद फेबररी 2012 तक कॉटलिन ओपन सोर्स हुई थी अंडर अपाची 2 लाइसेंस्ड. देन फेबररी 2016 में इसका एक मेन वर्जन रिलीज हुआ, जिसके बाद इसको बहुत प्रमोट किया गया क्योंकि इसकी ये जो हाइलाइटेड फीचर्स है कि वेरिएबल ही नहीं, पूरे पूरे फंक्शंस को आप एज आर्गुमेंट पास करा सकते हैं और रिटर्न करा सकते हैं. ना सिर्फ ये बल्कि आप वो जितने भी हेडेक्स हैं, जितने भी लेंदी कोड्स के प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्वियसली जितना लेंदी कोड होता है मोबाइल की कैपेसिटी उतनी कंज्यूम होगी आपकी. तो जितना लेसर कोड होगा उतना क्लीन होगा, उतना अंडरस्टैंडेबल होगा, उतना रीयूजेबल होगा और उतना ही आप उस कोड को लेस मेमोरी में यूटिलाइज करा सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा काम परफॉर्म करा सकते हैं. तो उसके बाद गूगल ने खुद कहा कि एंड्रॉयड को चाहिए कि वो ऑफिशियली कॉटलिन को अडॉप्ट कर ले और अब वो जावा को रिप्लेस कर दे. और ये जो बड़ा एवोल्यूशन आया, जो इसका मोस्ट स्टेबल वर्जन था, वो 2016 में रिलीज हुआ और सिंस देन जो जब लॉन्ग टर्म चेंजेस आए, कंपैटिबिलिटी इसने इंट्रोड्यूस कर दी. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इसका टाइमलाइन में ये मई 2017 है व्हेन गूगल ने प्रमोट किया कॉटलिन को, एंड इट इज गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अटेंशन एंड अप्रिसिएशन बाय द डेवलपर्स, नॉट ओनली इन सम कंट्रीज बट वर्ल्ड वाइड. एज यू कैन सी दिस इज द पॉपुलरिटी ऑफ कॉटलिन. आफ्टर 2016 के बाद से इसका कुछ ग्रेजुअल राइज आया, लेकिन जब 2017 में गूगल ने ही इसको अडोप्ट करने का कह दिया तो फिर उसके बाद से इसकी जॉब्स बहुत बढ़ गई. जिनको कॉटलिन आती थी उनको काफ़ी जल्दी हायर करना शुरू हो गए लोग, ठीक है. ये डाटा मैंने डाइस जॉब्स डेटाबेस से लिया.
और ना सिर्फ उसकी जॉब्स बहुत आई, बल्कि बेहिसाब एप्लीकेशंस आपके पास इस पे मूव हो गई, इसमें मूव हो गई, कॉटलैंड से मूव हो गई, ठीक है। सो बिफोर यू नो एज वी हैव डिस्कस अर्लियर कि हम आज की इस लेक्चर में इसका एक प्रोग्राम भी बनाए, इसका एक प्रोजेक्ट देखेंगे, रन करके देखेंगे इसको इम्यूलेटर पे, तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि हमें इसके लिए सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या चाहिए, हमें किन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी थ्रू आउट दिस कोर्स। जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए, तो JVM हो गया और JRE हो गया। JVM इज जावा वर्चुअल मशीन, तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसी एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को रन करने के लिए। और JDK में JVM आ जाता है, जिसके लिए हमें ऑब्वियसली JDK चाहिए, क्योंकि JDK कंटेन्स JVM एंड JRE। तो इसके अलावा हमें ना सिर्फ ये चाहिए होता है, हमें ऑब्वियसली एक IDE भी चाहिए, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। जब भी हम किसी चीज़ को इमुलेट करते हैं तो नीड IDE। तो एंड्रॉयड ऐप को क्योंकि JRE और JVM चाहिए होता है, तो हमारे पास जो IDE रिक्वायर्ड है वो इसके लिए है एंड्रॉयड स्टूडियो। लेकिन जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ टू यू नो टू किक के स्टार्ट आर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, वी नीड टू हैव एन IDE। सो एंड्रॉयड स्टूडियो इज द ऑफिशियल IDE फॉर डेवलपमेंट, एंड इट ऑलरेडी कम्स विद कॉटलिन एंड JDK। इसमें प्लग इन होता है, इट ऑलरेडी कम्स विद कॉटलिन रिक्वायर्ड प्लग इन एंड द JDK। तो अब जब इसमें सब कुछ है, तो हमें अलग से JDK को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसी से ही इजीली अपने पूरे कोर्स में सिर्फ एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करके कॉटलिन का कोड भी कर लेंगे। वो होगा कैसे, उसके लिए आपको जस्ट गूगल पर टाइप करना है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड, और जब आप इस डाउनलोड के ऑप्शन पे जाते हैं, तो उसके बाद सामने आपके पास ये विंडो आ जाएगी। क्योंकि मैं मैक यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ डाउनलोड के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ 3.1.2 मैक लिखा हुआ है। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आएगा, अगर आप विंडोज़ यूज़ करें तो यहाँ विंडोज़ आएगा, अगर मैक यूज़ कर रहे होंगे तो मैक लिखा हुआ आएगा, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो लिनक्स आएगा, ठीक है। अगर फिर भी लिखा हुआ ना आए, तो आपकी जो भी रेलिवेंट विंडोज़ या मैक या लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, वो डाउनलोड्स ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं। अदरवाइज वैसे फर्स्ट गो में आपके पास मेंशन होगा यहाँ नीचे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। देन सिंपली आपको उसको डाउनलोड कर लेना, यू कैन रीड इट इफ़ यू वॉन्ट टू रीड इट। तो डाउनलोड करने के बाद जब आपके पास वो डाउनलोड हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यूज़र गाइड देख सकते हैं, जिसमें मेंशन होता है यूज़र गाइड में कि किस तरह से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन करनी है। वैसे तो इसकी इंस्टॉलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना। ये अगर फिर भी आपको यूज़र गाइड ना मिल रही हो, तो दिस इज़ द लिंक जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे इंस्टॉल करना है एंड्रॉयड, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल टू डाउनलोड दिस, टू इंस्टॉल दिस आई मीन, ठीक है। और यहाँ पे ये यूज़र गाइडेंस में सिर्फ विंडोज़ की ही नहीं, मैक का भी बताया हुआ है और लिनक्स का भी बताया हुआ है। मैं आपको अपनी वीडियो में विंडोज़ का बताऊंगी, बिकॉज आई नो कि आप लोग मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, बट अगर किसी के पास कुछ और भी है, तो वो यहाँ से हेल्प ले सकता है। यहाँ सब कुछ मेंशन है कि किस तरह से मैक में इंस्टॉल होगा एंड्रॉयड, ठीक है। एक दफ़ा आपके पास ये डाउनलोड हो गया, तो बस आपको सिंपली इसको रन करना है, ठीक है। रन करने के बाद आपके पास ये विंडो आएगी, इसको आपको नेक्स्ट करना है। अच्छा, मेक श्योर कि इन दोनों पे टिक होना चाहिए, ठीक है। एंड्रॉयड SDK वैसे तो वो ऑटोमेटिकली टिक ही होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है। देन इसमें कोई भी ऐसी साइंस नहीं है कि आपको यहाँ कुछ चेंज करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सिंपली आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, यू जस्ट क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट 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 एंड द एंड फिनिश। तो दिस एट द एंड आपके पास ये जो सामने IDE बनी हुई है, कुछ इस तरह से बनी हुई आएगी, और इट्स डाउनलोड एंड देन इजिली डाउनलोड हो जाएगा, ये प्रोग्रेस बार आएगा, फिनिश करेंगे उसके बाद आपके पास ये विंडो आ रही होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एंड ऑफ डिस्कसिंग विद कॉटलिन एंड इंस्टॉलेशन डिस्कशन। आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो फिर हम एक्चुअली एंड्रॉइड की एप्लीकेशन डिजाइन करना देख रहे होंगे यूजिंग कॉटलिन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर माय अलाफ।